डियर राजू भाई, मन को तन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अब हम लोगों के बीच में शारीरिक रूप से नहीं होंगे। ये बहुत पीड़ादायक है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप जो है सरवाइव करके और मनोरंजन की दुनिया में फिर अपने तरीके से लोगों की सेवा करें। आपका जाना बहुत ही दुखद है और ये आपके फैंस, आपके परिवार, आपके दोस्त सबके लिए दुखद है। लेकिन परमात्मा का फैसला, जिसने आंखें बनाई, वो सबसे बड़ा है। उस फैसले के आगे नतमस्तक है। बस आपको जो है भगवान, जहां भी आप हो, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके परिवार को शक्ति मिले, आपके फैंस को शक्ति मिले। और आपने अपनी विधा में जिस तरीके से लोगों के मनोरंजन के माध्यम से सेवा की, आप हमेशा अपनी उस विधा के लिए जाने जाओगे। आपको प्रणाम करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा है। रणवीरवा का है नंगा हो गया, रणवीरवा नंगा आदमी है। जो मन में आ रहा पक्के जा रहा, समझे? हे मेवालाल, हे गुप्ता, अरे हमरे सुनो। रणवीर सिंह जो है घर के अंदर अपने अनशन किया है। हाँ, गुस्सा में लेटा है बगैर कपड़ा के। और कहा रहा कि अपनी औरतिया के कपड़ा सब पहनता रहा, रोज रोज औरतिया कपड़ा पहनता रहा, ऐसे ऐसे उछलता रहा, एनर्जी बहुत है उसके अंदर, उछलता रहा। तो वही दीपिका अपना कपड़ा सब छिना लिया, कहे नहीं हम अपना कपड़ा धोखा नहीं दें। तो वही गुस्सा में लेटा है, अनशन कर रहा पत्नी के खिलाफ, वही सीसीटीवी से फोटो खींच लिया, सब लोग बहुत खुश हो रहा है। रणवीर नंगा है, रणवीर नंगा है, इसका बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। अरे पूरा बात समझो तो सही, रणवीरवा जो है दिल का अच्छा आदमी।